नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल आरजी इनोवेशंस के और एक नए एपिसोड में। जो पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं नैनो सैनिटाइजर स्प्रे का। एक रिव्यू मैंने किया था तो मुझे बहुत इंटरेस्ट था ये जानने के लिए कि ये नैनो सैनिटाइजर स्प्रे या नैनो मिस्ट स्प्रे काम कैसे करता है, कैसे इसमें से डला हुआ लिक्विड ऐसे धुएं जैसा निकलता है। तो मुझे ये बहुत जानने का इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो क्यों ना आपके साथ भी शेयर किया जाए। तो इसका आज मैं पूरा ओपन करने वाला हूँ ये नैनो सैनिटाइजर को, और मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये कैसे काम करता है। जैसा मैंने आपको दिखाया था पिछले वीडियो में कि ये नैनो सैनिटाइजर में अगर कुछ लिक्विड डला है तो ये लिक्विड इसको ऑन करते ही ऐसे नैनो पार्टिकल्स में स्प्लिट हो जाता है और ऐसे धुआं जैसा यहाँ से निकलने लगता है। तो फ्रेशनेस के लिए इसमें आप पानी डाल सकते हो, या फिर इसको इसमें लिक्विड सैनिटाइजर डाल के आप इसको सैनिटाइजेशन डिवाइस की तरह यूज कर सकते हो, या फिर इसमें आप एसेंस ऑयल डाल के घर में रूम फ्रेशनर की तरह भी यूज कर सकते हो। तो इसी को मैं आज ओपन करने वाला हूँ और देखने वाला हूँ इसके अंदर क्या क्या है। लगता है इसके अंदर कुछ कॉम्प्लिकेटेड हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक्स होने वाला है जिससे कि काम करता है। और यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है एक स्टील जैसा कुछ जहाँ से ये धुआं निकल रहा है। तो मैं ये आज खोलने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ इसमें क्या है क्या नहीं है। जैसे यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा इसमें ये लिक्विड का टैंक है और जिसके नीचे बिल्कुल ही ये स्टील जैसा चीज़ है जहाँ से ये धुआं निकलता है। तो अंदर क्या है और ये काम कैसे करता है ये जानने के लिए इसको खोलना पड़ेगा, लेकिन खोलने के लिए कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा है जहाँ से ये खुल सकता है। तो चलिए मैं देखता हूँ इसको कैसे खोला जाए। नीचे का ये स्टिकर, इसके नीचे कुछ हो सकता है तो ये स्टिकर पहले मैं हटा लेता हूँ। और ये देखिए स्टिकर के पीछे यहाँ पे दो स्क्रू लगे हुए हैं, तो ये दोनों स्क्रू को मैं खोलने वाला हूँ। पहले ये दोनों स्क्रू को मैं निकालता हूँ यहाँ से। दोनों स्क्रू निकल गए लेकिन फिर भी ये खुल नहीं रहा है, कोई बाहर कुछ निकल नहीं रहा है और भी कहीं से ये अटका हुआ है। तो शायद ये स्विच अप डाउन करने वाला जो स्विच है इससे वो अटका हुआ होगा, तो इसको भी निकालते हैं। और ये स्विच के पीछे भी और एक स्क्रू लगा हुआ है तो उसको भी हम खोलते हैं। इसको भी हमने खोल लिए और खोलते ही ये पूरा चीज़ बाहर आ जाता है। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेट तो दिख नहीं रहा है। मुझे लगा था इसमें कोई पंप वंप होगा इसके अंदर जो कि ये लिक्विड स्प्रे कर रहा है, लेकिन वैसा तो कुछ दिख नहीं रहा है इसके अंदर। बहुत ही सिंपल सा ये चीज़ लग रहा है। पीछे एक बैटरी लगा हुआ है, लिथियम पॉलीमर बैटरी छोटा सा, जिससे कि ये काम कर रहा है। तो पहले मैं इस सर्किट को यहाँ से निकालता हूँ और देखता हूँ इसमें क्या है। सर्किट को इसके बॉडी से निकालता हूँ पहले। ये सर्किट निकल गया, इसमें कुछ खास है नहीं, बस एक बैटरी है पीछे। ये बैटरी सेलोटेप से लगा हुआ है तो ये सेलोटेप निकाल के देखता हूँ बैटरी के पीछे कुछ है क्या। बैटरी के पीछे भी कुछ नहीं है, बैटरी के पीछे छोटा सा कुछ कंपोनेंट लगा हुआ है, लेकिन जो भी हो ये पंप नहीं है। और इधर भी कुछ ज़्यादा खास कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है नहीं, एक छोटा सा आईसी दिख रहा है और कुछ एक दो छोटे मोटे चीज़ और एक स्विच जो ऑन ऑफ का है, बस वही है। ये हो गया ऑन, ये ऑफ। तो जैसा मुझे लग रहा था कि इसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेटेड मेकानिज्म होना चाहिए, वैसा कुछ है नहीं। एक ये स्टील जैसा चीज़ है जिससे कि यह धुआं निकलता है, तो इसको भी यहाँ से मैं निकालूंगा और देखने वाला हूँ ये क्या है। निकालते वक्त थोड़ा सा इसमें डेंट लग गया, तो एक नुकीला चीज से मैं इसको निकालता हूं। ये निकल के बाहर आ गया,
मैंने इसके बारे में नेट में थोड़ा स्टडी किया, सर्च किया, तो पता चला इसको अल्ट्रासोनिक डिफ्यूजर कहते हैं, जो कि लिक्विड को ऐसे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं और इसको धुएं जैसा स्प्रे करता है। तो ये देखिए अंदर के तरफ ये कुछ नेट जैसा लग रहा है, मैं एकदम नज़दीक से आपको दिखाता हूँ अंदर के तरफ, ये थोड़ा और नज़दीक मैं लाता हूँ, देखिए ये कुछ नेट जैसा दिख रहा है इधर, एकदम नज़दीक से मैं दिखाता हूँ। और बाहर के तरफ ये एकदम एक स्टील की प्लेट जैसा है, इसमें कोई छेद नहीं है, थोड़ा सा डेंट लग गया है वो निकालते टाइम। तो ये है वो मेन चीज जो कि ये पूरा काम कर रहा है, अल्ट्रासोनिक डिफ्यूजर। तो इसको ऑन करके देखते हैं इसमें कुछ वाइब्रेशन या इसका कुछ साउंड आ रहा है क्या, लेकिन वैसा कुछ महसूस नहीं हो रहा है, कोई वाइब्रेशन कुछ है नहीं, बस ये थोड़ा सा हीट हो रहा है, कुछ ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही ये हीट हो रहा है। ज्यादा टाइम अगर ऑन करके इसको रख रहे तो थोड़ा सा हीट हो रहा है। चलिए इसको ऑफ कर लेते हैं और इसको थोड़ा पानी में डाल के मैं दिखाने वाला हूँ कि इसमें से धुआं कैसे निकलता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा पानी ले लिया है और इसको अभी पानी में मैं डुबोता हूँ। देखिए पानी में अगर इसको पूरा मैंने डिप कर दिया तो कुछ धुआं नहीं निकलेगा, लेकिन अगर ये पानी में हल्के से टच किया हुआ रहेगा तो थोड़ा थोड़ा धुआं निकल रहा है। इसको मैंने पूरा डिप कर दिया और पानी में से निकालने के बाद यहाँ से धुआं निकल रहा है, लेकिन अगर ये पानी में डूबा रहेगा तो यहाँ से कुछ धुआं नहीं निकल रहा है। ये देखिए मैंने इसको पूरा पानी में डुबो के रखा है और जैसे पानी से बाहर निकलता हूँ तो इसका धुआं निकल रहा है, यानी कि अंडर वाटर ये काम नहीं करेगा, एक साइड में इसको पानी का कॉन्टैक्ट चाहिए तभी ये काम करेगा। थोड़ा सा मैं इसको पानी में डिप करता हूँ, थोड़ा सा पानी का कॉन्टैक्ट जैसे इसको मिले वैसे, और देखिए यहाँ से धुआं निकलना शुरू हो गया। लगता है इसका बैटरी का चार्ज थोड़ा कम हो गया है इसलिए धुआं में उतना फ्लो नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने पहले आपको दिखाया कि इसमें से कितना फोर्स से ये धुआं निकलता है। पानी का एक बूंद मैं यहाँ पे डालता हूँ और जैसे पानी के एक बूंद डालता हूँ इंस्टेंटली ये धुएं में कन्वर्ट हो जाता है। थोड़ा थोड़ा करके ये सिरिंज से मैं पानी डाल रहा हूँ इसमें और ये देखिए यहाँ से ये धुआं जैसा निकल रहा है। ब्लू कलर का धुआं काफी अच्छा लग रहा है दिखने में। तो ये मेनली काम है इसका अल्ट्रासोनिक डिफ्यूजर का, जो कि लिक्विड को नैनो पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर रहा है और ये धुएं जैसा स्प्रे हो रहा है। तो बस यही था इस नैनो मिस्ट स्प्रेयर का मैकेनिज्म, सारे चीजों को मैंने आपके सामने खोल के दिखाया और मुझे भी ये देखने मिला। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आरजी इनोवेशंस, जो कि है मेरे चैनल जहाँ पे मैं तरह तरह के वीडियोस डालता रहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे दूसरे कोई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, टेक केयर।